दोस्तों, मैं किशन सारीवान आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया था पेंड्रा मूर्ति जहाँ पे बनती है वहाँ पे घूमने के लिए, और यहाँ पे जो बन रही है मूर्ति आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस तरीके से अभी मूर्ति जो है वो तैयार की जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मूर्ति है ना वो हजारों की संख्या में की जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे यहाँ पे मूर्ति बनाया जाता है, जो कि आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। तो भाई ये जो मूर्ति बनती है ये है नए बस स्टैंड के पास, आगे की तरफ आप जैसे आएंगे तो पेट्रोल पंप के पास बनता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं गणेश जी की वो तैयार की जा रही है, और बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं वो है माता रानी जी की, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा ये देखिए। और हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छी अच्छी जो मूर्तियाँ हैं वो तैयार की जा रही है, जो कि आपको नवरात्रि में हर जगह देखने को मिलेगा हमारे GPM ज़िले में। और जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं उसका आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर आप जैसे पे यहाँ पे आते हैं तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से आपको मूर्ति चाहिए वो उस तरीके का मूर्ति यहाँ से आप ले जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी रंग रोगन वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं किया गया है, बस ये है कि तैयारी वगैरह किया जा रहा है, और शायद लाइट की समस्या हो रही है जिस कारण से ये नहीं आ रही है। और ये देखिए, ये हैं गणेश पापा जी का, और बहुत ही विशाल मूर्ति जो है वो तैयार की जा रही है यहाँ पे। और इधर पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब जितना इधर पे मूर्ति बना है उतना उधर पे भी बना है, तो कुछ कुछ सिनेमेटिक शॉट जो है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ, तो बने रहिएगा लास्ट तक ही। और बहुत कुछ अच्छा कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ जो है बनते हुए मिली जाती है हर साल, तो यहाँ का भी नंबर मैं दे दूँगा, मेंशन कर दूँगा, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। भाई इतनी बड़ी बड़ी विशाल जो है गणेश जी की मूर्ति तैयार की जा रही है, जो कि अभी रंग रोगन के लिए बचा हुआ है, जो आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो चीज़ अभी लगाया गया है, और आगे के जो प्रोसेस है वो अभी बचा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलेगा इस बार आपको, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो भाई यहाँ पे हर साल नए नए तरीके का मूर्तियाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, मैं यहाँ का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जगह का नाम है कलकत्ता मूर्तिकार, जो कि यहाँ के जो मेन जो मूर्तिकार हैं वो है देवेंद्र पाल, है ना भैया। तो यहाँ के जो मेन मूर्तिकार हैं वो है देवेंद्र पाल, और उनका जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आकर सबसे बेस्ट मूर्ति जो है वो ख़रीदें, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, जो कि आपको यहीं पर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ यह जो छोटा सा वीडियो है आपको देखकर जरूर पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।